आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड आप अपने पैसे को यूज कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से कोई परचेज कर सकते हैं, जो आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं उसी पैसे को यूज कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है आपको बैंक वो अपना पैसा देती है एक महीने के लिए और उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं, एक महीने के लिए देती है। अब चलते हैं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स हो गया, एक महीने के लिए आपको दिया, आप उस 40 मान के चलिए आपको 40,000 का लिमिट है तो 40,000 मिल गया, 50,000 का या तो लिमिट है तो 50,000 मिल गया। तो सपोज आपका लिमिट 50,000 है तो आप बैंक प्रत्येक महीने आपको 50,000 देगी, भले ही आप खर्च करें या ना करें, लेकिन 50,000 देगी पर मंथ। सपोज आपको ज़रूरत होगी, इमरजेंसी में रुपये नहीं है बैंक में, डेबिट कार्ड से आप निकाल नहीं सकते हैं, जितना रुपया रहता है उतना ही निकलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक दे रही है फ्री में एक महीने के लिए। 40,000 का आपको ज़रूरत होगी, 40,000 आपने सामान का परचेज कर लिया और उसे आप एक महीने के बाद आप वापस कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया इमरजेंसी में यूज हो गया। दूसरा होता है आप लोन ले सकते हैं ईजिली, तुरंत आपके पास एलिजिबिलिटी रहती है, आप लोन ले लीजिए। दूसरी होगी, तीसरी फायदा, जैसे आप 40,000 का आपने प्रोडक्ट लिया था उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसका वैल्यू 25 पैसे का होता है और कभी कभी कोई कोई क्रेडिट कार्ड्स में एक रुपये का भी होता है। क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ चार्जेज लगते हैं, हो सकता है कोई बैंक आपको फ्री में भी देती है। अगला बेनिफिट्स है, जैसे आपने 40,000 का परचेज किया था, 40,000 का, तो डेबिट कार्ड वाले को यदि 40,000 का सामान है तो 40,000 ही उसे पेमेंट करने पड़ेंगे, एक रुपया भी कम नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ छूट भी मिल सकती है, आपको हो सकता है 5,000 2,000 कुछ रुपए का छूट मिल जाए। तो 2,000 का छूट वहाँ मिल गया लगभग, तो आपको 40,000 का प्रोडक्ट था तो 38,000 ही पड़ा। अगली बेनिफिट्स होती है, आपको बैंक आपको कुछ ऑफर्स देती है कैशबैक का। यदि आप 40,000 का सामान था, छूट मिल गया एक तो मर्चेंट की तरफ से, जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट की तरफ से 2,000 का। अगला बेनिफिट, 3 महीने के बाद आपको कैशबैक भी मिल जाता है यदि आप फॉलो करते हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन खरीदते वक्त। तो 5,000 का उसका प्रोडक्ट कैशबैक है तो आपको 3 महीने बाद 5,000 रुपया ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब 40,000 का प्रोडक्ट कितना में आपको पड़ रहा है, लगभग एक तो 2,000 का उधर से बेनिफिट्स हो गया मर्चेंट की तरफ से, यदि फ्लिपकार्ट से आप ले रहे हैं तो फ्लिपकार्ट छूट देती है। उसके बाद आप EMI करवा रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो 2,000 3,000 के आसपास इधर से भी कार्ड भी आपको दे रही है, बैंक भी दे रही है, तो कैशबैक भी आ जाता है। 5,000 लगभग आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन डेबिट कार्ड में जितना का प्रोडक्ट है उतना ही आपको देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड की बस एक ही कमी होती है, यदि आप 30 दिन में या जो भी समय रहता है 50 दिन में उस समय पर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको चार्ज लगते हैं। 3% रहता है किसी बैंक का, किसी का रहता है 3.5%, अलग अलग टाइप्स का रहता है, प्लस GST रहती है। तो बस एक ही इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की बात है, जो आपको कोई भी चीज़ करते हैं तो समय से उसका सिर्फ पेमेंट हो जाना चाहिए बस, वरना आप उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए, क्रेडिट कार्ड से परचेस किए, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते गए, एक महीना में तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू हो जाता है, इस तरह से भी कमाते हैं। और बहुत सारे कस्टमर हैं जो विजिटिंग का शौकीन है, उसको विजिटिंग के लिए बहुत सारा कार्ड्स होता है, चेक कर सकते हैं आप, वो कार्ड लेते हैं और फ्री में घूमते हैं, बहुत बेनिफिट्स लेते हैं। तो आप भी क्रेडिट कार्ड्स के शौकीन हैं, यूज कीजिए और इसका लाभ उठाइए, बेनिफिट्स लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।